हे गाइस, तरुण एयर। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक लिनोवो लॉक सीरीज़ के लैपटॉप के ऊपर एक वीडियो बनाया था। वहाँ पे मैंने उससे कुछ इश्यूज़ को डिटेल में टेस्ट किया था, जैसे कि बैटरी ड्रेन इशू और आपका आईपीएस ब्लीड इशू। इस तरीके से कई सारे इश्यूज़ को मैंने टेस्ट किया था। उस वीडियो पर कई सारे लोगों का कमेंट आया था कि उनके लैपटॉप के साथ भी बहुत सारे इशूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया था। उस वीडियो को बनाने के 2 से 3 महीने बाद मैंने उन लोगों से जो है अब रिक्वेस्ट किया कि आप जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, वो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो इन अ वीडियो कॉल, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा अलग टाइप का एक्सपीरियंस हो रहा था। तो वो वीडियो मैंने जो है एक्सपीरियंस वीडियो भी यहाँ पे शेयर किया है, जैसा आप अभी देख सकते हो। और जब मैंने वो एक्सपीरियंस वीडियो शेयर किया तो उस वीडियो के पे मुझे बहुत ज़्यादा और लोगों ने भी कमेंट किया, उन्होंने भी अपने बहुत सारे इश्यूज शेयर किए हैं यहाँ पे। तो उन कमेंट्स को जो है मैं आज पढ़ने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि लिनोवो लॉक सीरीज़ के लैपटॉप के साथ क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और लोगों के साथ क्या हो रहा है इस समय। और एक चीज़ और मैं आज एड्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे, इंडियन टेक कम्युनिटी में जो है एक तरीके का टेक स्कैम सामने निकल के आया है। ये स्कैम जो है भरत नागपाल ने जो है रिवील किया है। ये आईज्ञान के जो है चैनल के ओनर हैं, इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है यहाँ पे। हालांकि मुझे इस चीज़ का थोड़ा बहुत पहले से अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ फिशी है। एग्जैक्टली क्या ये नहीं मालूम था। किस तरीके से ये दोनों चीज़ें, लिनोवो लॉक की जो कंट्रोवर्सी है जहाँ पे कंज्यूमर्स को अफेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे लिंक होती हैं, आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्योंकि मेरे हिसाब से आज की डेट में जो इंडियन टेक इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी है, ये थोड़ी सी यहाँ पे उनको कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी, ताकि कंज्यूमर्स के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम ना सामने हो जाए कभी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो से, जहाँ पे मैं जो है सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, ताकि आप लोग को पता चले कि क्या चल रहा है लिनोवो लॉक सीरीज़ के लैपटॉप में। जो लोग लेने के बारे में सोच रहे हैं, 60,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक का इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जानना। एक कमेंट मुझे आया अभी एक दिन पहले, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मोहम्मद आसिफ 9488 का। रिसेंटली आई बॉट अ लिनोवो एलोक्यू i5 13 जनरेशन RTX 3050। व्हेन आई एम प्लेइंग गेम बैटरी गेटिंग ड्रेन, प्लग इन चार्जर व्हेन प्लेइंग, बट बैटरी गोज टू 90 to 89 सो ऑन एंड 80 इन 2 से 3 आवर्स, इट इज़ कंटिन्यूसली ड्रेनिंग। तो बैटरी ड्रेनेज इशू, जैसा सबको पता है। तो यहाँ पे ये एक दिन पहले ये कमेंट आया, तो इसका मतलब ये रिसेंटली इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और यश इन पे कह रहे हैं कि टर्न ऑन बैटरी लेवल प्रोटेक्शन इन बायो सेटिंग, दिस वर्क फॉर माय लैपटॉप एंड आई कुड बेयरली सी एनी डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। लिनोवो क्लेम्स इट टू बी अ फीचर, दे डिडंट स्वैप अडाप्टर इवन दो आई शेयर्ड द वीडियो प्रूफ ऑफ बैटरी ड्रेन, दे सिंपली डिनाई इट। यहाँ पे पीयूष राज VK1QE का कमेंट है, I am facing multiple motherboard change. Please make a video for those customer who is facing this type of problems. I am ready to do video with you and I have Lenovo Eloquio i5-13450HX3050 thermal module change and motherboard change multiple times. So, यहाँ पे इनके लैपटॉप में मल्टीपल टाइम मदरबोर्ड चेंज हो गया है। और मैंने कुछ टाइम पहले ही लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जिनके साथ इस तरीके का बहुत सीरियस इशू आ रहा है वो मुझे बताएं, मैं उनके ऊपर एक डिटेल कस्टमर रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, ताकि उनकी प्रॉब्लम लेनोवो तक पहुँच सके। तो दिस पर्सन ये मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट कमेंट है BcoTech786 का, भाई लोग मेरे भी एलोक्यू लैपटॉप सही नहीं है, बार बार मेरे लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन हो जाता है विंडोज़ क्लियर इंस्टॉलेशन होने के बाद भी, 5 महीना हुआ लैपटॉप लिए हुए। इवन आफ्टर ऑल द कंप्लेंट्स एंड रिपोर्ट्स आई डिसाइडेड टू बाई एलोक्यू बिकॉज सम यूट्यूबर्स सेट 12th gen चिप्स आर नॉट फेसिंग एनी इशूज, बट माई i5-12450HX3056GB विच आई बॉट ऑन 25th August जस्ट डाइड यस्टरडे ऑन 12th October वाइल आई वॉज प्लेइंग, बैटरी वॉज 80% प्लग्ड इन एंड टेम्परेचर वॉजन टू हाई आइदर एंड इट्स कम्प्लीटली डेड, नो चार्जिंग इंडिकेटर, प्रेसिंग द नोवो बटन डिड नॉट डू एनीथिंग आइदर। आई हैव ईमेल्ड लिनोवो, दे हैव रिप्लाइड सून आफ्टर, दे सेड दे विल कॉन्टैक्ट मी इन 8 hours अगेन, आई विल सी वॉट हैपन, इट वॉज माई फर्स्ट लैपटॉप एवर, आई रियली होप मदरबोर्ड इज नॉट डेड। बट वट एवर जो वो बता रहे हैं उसके हिसाब से क्लियर लग रहा है कि इनका मदरबोर्ड डेड हो गया है। आयुब खन्ना ADAF 8017, द थिंग इज़ आई बॉट लिनोवो एलोक्यू i5 13th generation HX RTX 4050 लैपटॉप, आई जस्ट वॉन्ट टू नो माई लैपटॉप इज ड्रॉपिंग 8 to 9% बैटरी इवन प्लग्ड इन आफ्टर 2 hours ऑफ गेमिंग,
आई मीन 3-4% बैटरी पर आवर इवन आफ्टर द प्लग्ड इन पावर सप्लाई, इट्स नॉट लॉकिंग इट्स बैटरी एट एनी परसेंटेज, इज इट नॉर्मल, डस 230 वॉट चार्जर विल सॉल्व माई इशू। सो यहाँ पे इनके साथ भी बैटरी ड्रेनेज इशू देखने को मिल रहा है, और अब 170 वॉट्स और 230 वॉट का चार्जर रिप्लेसमेंट लेने वो वैसे भी नहीं ऑफर कर रहा है, ये बात हमें कमेंट्स के थ्रू क्लियरली पता चल रही है। सिद्धार्थ 9300 का कमेंट 4 दिन पहले आया है, आई एम फेसिंग बैटरी ड्रेन ऑन प्लग इन 8% ड्रेन इन 45 मिनट्स ऑफ गेमिंग, प्रीमियम सर्विस केयर सेइंग इट्स नॉर्मल टू ड्रेन 7-8% वाइल गेमिंग, आई हैव सेंड अ वीडियो कैप्चर, दे आर नॉट एडमिटिंग इशू एंड सेइंग इट्स नॉर्मल। काफ़ी कमेंट्स में बताया गया है कि ये जो अडाप्टर रिप्लेसमेंट था वो अब लेनोवो डिनाई कर रहा है, ये कह के कि इट्स अ फीचर। कमेंटर सुमन बीटल लेट इट बी का, माइन डाइड 1 month अगो, डाइड इन 2 months, नाउ फॉर न्यू मदरबोर्ड 1 month क्रॉस एंड वर्किंग फाइन। 1 महीना पहले इनका लेनोवो एलोक्यूट जो है मदरबोर्ड डेड हो गया था, और 2 महीना इन्होंने लिया हुआ था इस लैपटॉप को परचेज किए हुए, विद इन 2 months एक बार मदरबोर्ड डेड हो गया, एक बार रिप्लेस हो गया है, और अभी 1 महीना बीता हुआ है लेकिन अभी कोई इशू नहीं आया है इनके पास। सैंडी गेमिंग 9919 का कमेंट है, मेरे पास एलोक्यू i5-12450HX RTX 3050 है, मुझे बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा है, कस्टमर केयर से पहली बार बात की तो उन्होंने अडाप्टर रिप्लेसमेंट के लिए हाँ कर दिया, फिर बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया अडाप्टर रिप्लेसमेंट के लिए। अभी लेटेस्ट उनकी गाइडलाइन अपडेट हुई है जिसमें वो बोल रहे हैं कि बैटरी ड्रेन वो उनको लैपटॉप का फीचर है जो बैटरी हीट होने से बचाता है, वो अभी किसी को भी अडाप्टर रिप्लेसमेंट करके नहीं दे रहे हैं। अभी बैटरी ड्रेन लेनोवो का फीचर सबको पता, मैं बाईपास चार्जिंग यूज़ होती है उसमें लैपटॉप बैटरी लोड नहीं आता है, तो लेनोवो लॉक बैटरी ऐसे ही हीट हो रही हैं। सबसे निवेदन है कि लेनोवो के सिर्फ लीजियन सीरीज ही परचेज करें। ये वीडियो सैमसंग ने स्पॉन्सर नहीं किया और ना ही ये वीडियो एप्पल ने स्पॉन्सर किया। कुछ डिस्क्लोजर कर लेते हैं, ये लैपटॉप जो है लेनोवो ने मुझे रिव्यू यूनिट की तरह प्रोवाइड किया था, कुछ दिनों के लिए ये मेरे पास था, और इसमें कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है लेनोवो की तरफ से मेरे लिए, मतलब कोई भी मनी ट्रांजेक्शन मेरे और लेनोवो के बीच में नहीं हो रहा है। ये टैब मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा था, और ये वीडियो जो है सैमसंग के थ्रू स्पॉन्सर नहीं किया गया, मतलब मेरे और सैमसंग के बीच में कोई भी मनी ट्रांजेक्शन यहां पे नहीं हो रहा है। लेकिन इस वीडियो के एक सेपरेट स्पॉन्सर हैं, आइए उनको चेकआउट कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, और वो जो भरत नागपाल का जो टेक स्कैम है वो यहाँ तक कैसे लिंक है, वो कह रहा है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जो आईगेन वाले ने बताया, आप वैसे पूरा वीडियो आप चेकआउट कर लो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो किसी एजेंसी के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं इन सारे टेक यूट्यूबर्स को, ठीक है। अब ये जो एजेंसीज हैं ये कंट्रोल करती हैं कि इन टेक यूट्यूबर्स को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना है, कितना बोलना है, और वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में उनको बोलना पड़ता है, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा हो या बेकार हो। वो इन्फ्लुएंसर या वो रिव्यूअर जो है अपनी इनपुट नहीं डाल सकता उस वीडियो में, और उसको वो बोलना पड़ेगा जो वो एजेंसी कह रही है उनसे बोलने के लिए, और इस चीज़ के जो है उन टेक को पैसे मिलते हैं, मतलब ये पर्टिकुलरली पेड रिव्यू होता है। तो मेरे हिसाब से ये पेड रिव्यू करना कोई गलत बात नहीं है। अब आप एक YouTube पे एक चैनल बनाया है तो उसको सस्टेन करने के लिए आपको अर्निंग करनी होती है, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए आप अर्निंग करना चाहते हो तो पेड रिव्यू इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है इंडियन टेक इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जैसा मैंने दिखाया था कि मैं अपने हर वीडियो में ये क्लियर कर देता हूँ कि ये पेड है कि नहीं पेड है, ये चीज़ यहाँ पे जो है एथिकली हर बड़े टेक यूट्यूबर को मेरे हिसाब से क्लियर करनी चाहिए अपने वीडियो में। मैं अगेन ये बात बोलूँगा कि हर बड़े टेक यूट्यूबर को ये चीज़ एकदम क्लियर कन्वे करनी चाहिए कि यहाँ पे उनको इस चीज़ के लिए पैसे मिले हैं बोलने के लिए कि नहीं मिले हैं, क्योंकि जब तक आप ये बात क्लियर नहीं करोगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये जो आप बता रहे हो ये बायस रिव्यू है कि अनबायस रिव्यू है, पता नहीं चलेगा तो लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं जिससे उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे कि मेरा जो कस्टमर फीडबैक वाला रिव्यू था वो एक अजय नाम के लड़के के साथ था, वो आप देख सकते हो, उसने मुझे क्लियर बताया कि उसने ये लॉक लैपटॉप जो है ऑलमोस्ट 1.3 या 1.4 लाख रुपीज़ का उसने ख़रीदा है, उसका बजट 70-80 हज़ार रुपये था, उसकी सिस्टर ने उसको अपना नेकलेस दिया कि तुम इसको लोन पर रखो, 70-80 हज़ार रुपये का जो है लोन उठाओ तुम उस नेकलेस के बदले में, क्योंकि उसको कुछ उस लैपटॉप का काम करना था, वो शायद कुछ तो डिज़ाइनिंग या किसी तरीके का काम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना चाहता था। आप सोच सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना डिफ़िकल्ट है एक अच्छी यूनिट और एक अच्छा प्रोडक्ट परचेस करना, ताकि वो उससे अपनी कुछ अर्निंग कर सके, कुछ सस्टेन कर सके अपने आप को, और वो इसके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगाता है।
और उस इंसान के साथ हुआ क्या कि उसने जो है जितने भी बड़े टेक यूट्यूबर्स की बात पे विश्वास करके ये चीज़ लैपटॉप परचेस की, उसको बहुत बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि उसके जो यूनिट है आप जैसा वीडियो में देख सकते हो 4-5 बार उसका मदरबोर्ड चेंज हो चुका है। अब वो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, DOA के लिए अप्लाई कर रहा है कि किसी तरीके से उसको एक वर्किंग गुड कंडीशन लैपटॉप मिल जाए। मैं बस यहाँ यही कंक्लूजन करना चाहूँगा कि एज अ टेक इन्फ्लुएंसर ये हमारा एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी की हार्ड अर्न मनी जो वो लगाने जा रहा है उसको एटलीस्ट एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मौका दें। यही मेरा काम है कि अगर हम अनएथिकली लोगों को ये नहीं बताएंगे कि ये पेड रिव्यू है और हम वहाँ उस ब्रांड की एक अनएथिकल तारीफ कर देंगे कि बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, तो वो होगा क्या कि कहीं किसी का हार्ड अर्न मनी उसमें लगेगा, किसी का लोन क्या वो पैसा लगेगा, फिर वो जब ख़राब हो जाएगा तो उसकी क्या सिचुएशन होगी, ये हम लोग को सोचना चाहिए। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिसको भी देखते हो वीडियो, जिस भी यूट्यूबर्स के वीडियो को देखते हो, आप थोड़ा सा उस चीज़ को एनालाइज करो कि आपको इस चीज़ से क्या जो है मिल रहा है। एज अ व्यूअर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसको देख रहे हो, किस पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, किस इंसान पे अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, और वो कितना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा है, ये आपको अपने से उसको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे जो है गलत हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे टेक इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि हर बड़ा टेक इन्फ्लुएंसर और छोटा टेक इन्फ्लुएंसर कोशिश ये करे कि ऑनेस्टली काम करे और एक एथिकल बिहेवियर को फॉलो करे, जहाँ पे आप क्लियर इंडिकेशन दो कि ये रिव्यू जो आप बता रहे हो, जो भी आपने बताया है, ये एक पेड रिव्यू है, कंपनी ने आपको पेमेंट दिया है कि नहीं दिया है, ये चीज़ बोलने के लिए ये एकदम क्लियर होना चाहिए। उससे होता है कि एटलीस्ट ऑडियंस को एक इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ ये चीज़ क्लियर है एकदम। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मुझे अच्छा लगा कि मैं आज आप लोगों से इस तरीके से खुल के बात कर पाया हूँ। अब इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करूँगा। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। Goodbye.